हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ माइक्रोवेव की मग रेसिपीज, जो हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी बना सकते हैं। तो जल्दी से दिखाती हूँ इंग्रेडिएंट्स और फिर फटाफट बनाते हैं। तो मग रेसिपीज में सबसे पहले हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए ग्रेनोला। जैसे हम मूसली खाते हैं वैसे ही हम ग्रेनोला बनाएंगे। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 कप ओट्स, प्लेन वाले ओट्स हैं, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, 1 चम्मच हनी, मिक्स्ड वाले नट्स लिए हैं, पिंच ऑफ सॉल्ट। तो सबसे पहले मग में हम ओट्स डाल देते हैं। मग में मैंने ओट्स डाल दिए। अब इसमें मिक्स करेंगे ऑयल। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल ना हो तो आप बटर भी यूज कर सकते हो। 1 चम्मच पानी। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। पिंच ऑफ सॉल्ट और 1 चम्मच हनी मिक्स कर लेते हैं। अब ये सारा मिक्स हो गया है। इसमें हम डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स जो हमने लिए हैं। इसको हम 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करेंगे। हो गए। अब इसको हम एक बार चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। एक बार फिर से 30 सेकंड के लिए फिर से करेंगे माइक्रोवेव। अगर हम 1 मिनट रेगुलर कर देंगे तो ये जल जाएगा। खोल के देखते हैं तो ये देखिए एकदम क्रिस्पी हो गया ग्रेनोला। अब इसको हम इसकी टॉपिंग हम करेंगे। ये मेरे पास योगर्ट है, योगर्ट डाल देते हैं। ग्रीक योगर्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और टॉपिंग करते हैं स्ट्रॉबेरी सिरप और साथ में मेरे पास बेरीज हैं, ये डाल देते हैं। और ये हमारा बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट ग्रेनोला रेडी हो गया। अब नेक्स्ट मेरी रेसिपी है मग पिज़्ज़ा। तो मग पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 4 चम्मच मैदा। इसको हम मग में डाल लेते हैं। पिंच ऑफ सॉल्ट मिक्स कर लेते हैं। 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, सब मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हम दूध के साथ मिक्स करेंगे। 4 चम्मच मैंने दूध लिया है और जितने में हमारा ये मैदे का बैटर बन जाए उतना यूज़ करेंगे। ऑलमोस्ट सारा दूध लग गया, बिल्कुल ज़रा सा 1/2 चम्मच ही बचा है। तो ये हमारा पिज़्ज़ा का बैटर बन गया। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। अब इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल देते हैं। इसको हमने मिक्स नहीं करना, ये एक लेयर बनानी है इसके ऊपर। तो ये हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर दी। अब इसमें डाल देते हैं वेजीज। इसमें मैंने लिए हैं कॉर्न्स, कैप्सिकम, अनियन और टमाटर। अब ये मेरे पास ऑलिव्स हैं, थोड़े से ऑलिव्स इसके ऊपर लगा देते हैं। और एंड में हम इसके ऊपर चीज़, जो कि पिज़्ज़ा में मस्ट होती है, और चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो। ये हमारा पिज़्ज़ा का बैटर रेडी हो गया। अब इसको हम 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करते हैं। माइक्रोवेव बंद हो गया, खोल के देखते हैं। ओह माय गॉड। तो ये हमारा मग पिज़्ज़ा रेडी हो गया। आप इसको कभी भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी टाइम कभी भी, क्योंकि पिज़्ज़ा तो ऑल टाइम फेवरेट होता है सबका, तो आप इसको कभी भी बना सकते हैं। और माइक्रोवेव में बना है तो बहुत ही जल्दी बन गया। अब नेक्स्ट रेसिपी हम बनाएंगे चॉकलेट ब्राउनी। सबकी फेवरेट होती है। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि किस किस को चॉकलेट ब्राउनी अच्छी लगती है। तो उसके लिए हमें चाहिए 30 ग्राम डार्क चॉकलेट, 4 चम्मच मैदा, 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच बटर, 1/2 कप दूध,
दूध हमने रूम टेम्परेचर पे लेना है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। और इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो सबसे पहले बटर में हम चॉकलेट डाल के इसको मेल्ट कर लेते हैं, इसको हम माइक्रोवेव कर लेते हैं ताकि ये मेल्ट हो जाए। थर्टी सेकेंड पे हम खोल के देखेंगे, चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है। इसको स्पून की हेल्प से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे दूध, बटर, दूध और चॉकलेट अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 4 चम्मच मैदा और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करना है, मैदा के लम्स नहीं आने चाहिए। मैदा के लम्स आएंगे तो ब्राउनी हमारी अच्छी नहीं बनेगी, तो इसलिए हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। सब कुछ मिक्स हो गया। अब इसमें हम डालेंगे पिंच ऑफ बेकिंग सोडा और पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट। अब इसमें ऐड कर देंगे चीनी। अब इसको हम मग में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब ब्राउनी का बैटर हमारा रेडी हो गया। अब इसको भी हम 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। तो ये होगी हमारी चॉकलेट ब्राउनी। किस किस को चॉकलेट ब्राउनी बहुत अच्छी लगती है, डू कमेंट्स डाउन, और बनाते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी। तो अब नेक्स्ट मेरी रेसिपी है पोटैटो लोडेड सूप, क्योंकि सर्दी आ रही है तो सूप भी ज़रूरी है। और सूप हम बनाएंगे माइक्रोवेव में, और वो भी बनाएंगे एकदम डिफरेंट। आपने बहुत सारे सूप ट्राई करे होंगे, लेकिन ये वाला सूप आप ट्राई ज़रूर करना। तो पोटैटो लोडेड सूप बनाने के लिए हमें चाहिए 1 आलू, चीज़, गार्लिक, अनियन, कैप्सिकम, गाजर, थोड़ा सा दूध, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, नमक और काली मिर्च। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलू को छील लिया मैंने, आलू को छील के इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। आलू मैंने काट लिए। अब इसमें हम पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे। पानी इसमें हमने ज़्यादा लेना है, क्योंकि यही हमारा वेजिटेबल स्टॉक जो बनेगा ये सूप में काम आएगा। तो सबसे पहले हम इसको माइक्रोवेव करते हैं 4 मिनट के लिए, क्योंकि इनको हमने बॉयल करना है। तो 4 मिनट में ये बॉयल हो जाएंगे। चार मिनट का टाइमर लगा दिया मैंने। तो आलू हमारे बिल्कुल बॉयल हो गए, सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल। अब इसको हम मग में डालते हैं। सबसे नीचे आलू, आलू हम पूरे डाल देंगे। आलू हमने इसमें डाल दिए। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें ये जो हमने सारी वेजिटेबल्स ली हैं, गार्लिक, अनियन, कैप्सिकम और कैरेट, ये सब इसमें डाल दी। अब इसमें हम डालेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ पेपर और चीज़। चीज़ को हम ग्रेट कर लेते हैं। बहुत ही डिफरेंट सूप बनने वाला है ये, आपने आई थिंक ऐसा सूप कभी नहीं पिया होगा। अब इसके ऊपर हम डालेंगे जो ये वेजिटेबल स्टॉक हमारा बना है, ये भी इसमें डाल देते हैं, और 1/2 चम्मच दूध। अब इसको हम 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करते हैं। देखने में इतना बढ़िया लग रहा है ये सूप, तो पीने में कैसा होगा टेस्ट। ये हो गया हमारा पोटैटो लोडेड सूप। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ टेस्टिंग करने, और मम्मी जो है वो बहुत ही बिजी है, क्योंकि वो सबको खाना खिला रही है, और लाइटिंग देखनी पड़ेगी थोड़ी। यहाँ लाइटिंग अच्छी आ रही है, मैं अच्छा लग रहा हूँ। तो सूप भी हमारा रेडी हो गया और ये भी रेडी हो गया, पुत्र भी रेडी हो गया टेस्ट करने के लिए। प्यारा पुत्र, ओह माय गॉड। तो ये है ग्रेनोला, बहुत हेल्दी होता है। मोस्टली तो इसमें
और ये हमने बनाया है पिज्जा, समझ गया ना पिज्जा है, मम पिज्जा। ओवरलोडेड है बिल्कुल। ओए होए होए, ये आप कमाल की चीज। हाँ, पिज्जा तो एनी टाइम मिल जाए। खाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है पिज्जा। नेक्स्ट। चॉकलेट ब्राउनी। सारी मग रेसिपीज करी है आपने? आज सारी मग रेसिपीज माइक्रोवेव। ओह ओह, इसमें डालो आइसक्रीम एक का। हाँ, और तो मजा आ गया। ये तो ट्रफल है पूरी, बहुत जल्दी है, बहुत ज़्यादा। ये सूप हेल्दी चीज़ आप ही लोग एंड हेल्दी चीज़ खा के लो। पिज़्ज़ा और ब्राउनी दे दो, है ना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पिज़्ज़ा रेसिपी जरूर बनाएं, क्योंकि पेट नहीं तो सेठ नहीं, ठीक है। और मम्मी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो आप घर पे इसको ट्राई जरूर करना, क्योंकि एक तो ये हेल्दी है, ऊपर से बहुत जल्दी बनती है। इंस्टेंट रेसिपीज, मम्मी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट की रेसिपी है। और जल्दी से बनाओ और वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको सबसे ट्रफल भी ले लूं, सबसे बढ़िया रेसिपी कौन सी लगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।